मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, 10 को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले बयानबाजी और बदजुबानी का दौर भी जारी है। इसी सब मुद्दे पर बात की हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह से। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्ते, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं कि बीजेपी की ओर से जितने नेता, वरिष्ठ नेता, चाहे फिर वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, सिंधिया जी हो, शिवराज जी हो, सभी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से अकेले कमलनाथ ही मैदान में नजर आ। ऐसा नहीं है, पूरी टीम हमारी प्रचार में है। कमलनाथ जी के साथ जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, एक्स मिनिस्टर्स हैं, MLAs हैं, कांतिलाल भूरिया XPCC प्रेसिडेंट हैं, पचौरी जी हैं, अजय सिंह, राहुल हैं, सब प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं, पूरी टीम काम कर रही है। आपकी भूमिका की बात की जाए, 2018 में कोऑर्डिनेशन कमेटी के आप चीफ थे, और इस बार भी कहीं ना कहीं हम कार्यकर्ताओं से जब बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी भी दिग्विजय सिंह उसी भूमिका में, वो लगातार सबसे बातचीत करते हैं, सबको कोऑर्डिनेट करते हैं। बिल्कुल, यही काम मेरा हमेशा से रहा है, और जहाँ जैसी ज़रूरत होती है वैसा आदेश का पालन करते हैं। कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, टीम के कैप्टन हैं, वो जो आदेश देंगे वो काम होगा। मगर सर प्रचार प्रसार में इतनी दूरी क्यों रखते हैं? मैं बिल्कुल नहीं रखता, मैं रोज़ तुम पर आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, प्रेस में अपना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सोशल मीडिया पे अपना काम कर रहा हूँ, और अब जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ प्रचार करने भी जाऊँगा। क्या लग रहा है सर आपको इन सीटों पर जब चुनाव हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने तो अपनी पूरी टीम, अब 28-33 मंत्री हैं, मुख्यमंत्री खुद, तकरीबन आप 15 दिनों में देखें कि 84 सभाएं का टारगेट उन्हें दिया है, लेकिन लोग उनकी सभाओं में आ नहीं रहे हैं, और उनका रटा रटाया भाषण होता है वो, हम तो 15 साल से उनके रटा रटाया भाषण सुनते हैं, वही मामा भांजे का उनका। आपका जिक्र भी खूब करते हैं। ठीक है, मुझे इसकी प्रसन्नता है कि वे मेरा प्रचार करते हैं, क्योंकि मेरा प्रचार ही होता है, जितना वो भाषण मेरा नाम लेते हैं मैं तो उसको अपना प्रचार मानता हूँ। तो इसलिए मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। मैं जो माहौल देख रहा हूँ उसी प्रकार का माहौल है जिस प्रकार 77 के चुनाव में जब मैं चुनाव लड़ा था तो जनता पार्टी की लहर थी, जनता कांग्रेस को हराना चाह रही थी। तब जो माहौल कांग्रेस के खिलाफ था, इस उपचुनाव में ये माहौल भाजपा के खिलाफ है, कांग्रेस के पक्ष में है। लोग बाग अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, लोग बागों के मन में ये बात बैठ गई है कि ये बिके हैं, इसलिए इन्हें वोट वो नहीं देंगे। कल कमलनाथ जी डबरा में एक चुनावी सभा कर रहे थे, इमरती देवी का नाम तो नहीं लिया मगर उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी कहा और आइटम शब्द कहा, जिसके बाद बीजेपी ने आज मौन प्रदर्शन किया पूरे प्रदेश में, जिसमें सिंधिया जी ने इंदौर में किया, BD शर्मा ने ग्वालियर में किया। मैं नहीं जानता कि कमलनाथ जी ने अपने भाषण में किसका और किसके संदर्भ में ये भाषण, ये वाक्य कही है, ये शब्द किए कहे, लेकिन इतना मैं जानना चाहता हूँ कि पड़ोस में उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक दलित युवती के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और जब उसकी मृत्यु हो गई तो पुलिस ने उसका शव उसके परिवार को नहीं दिया, यहाँ तक कि उसका दाह संस्कार भी पुलिस ने कर दिया और पूरे परिवार को घर में बंद कर दिया। महिलाएं बिलखती रहीं, रोती रहीं, उन्होंने एम्बुलेंस रोक लिया, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण आज तक हमने नहीं देखा जहां किसी युवती के साथ बलात्कार होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को उसके दाह संस्कार से भी रोका गया हो। मैं तुलना करता हूँ निर्भया कांड की, दिल्ली में उसका इलाज कराने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे परिवार को सिंगापुर भेजा, पूरा खर्चा उठाया, और जब उसका वहाँ देहांत हो गया, उसकी बॉडी आई,
तो स्वयं डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और सोनिया गांधी जी हमारे अध्यक्ष, यूपीए की अध्यक्ष, वो एयरपोर्ट गए उसकी बॉडी को रिसीव करने के लिए और पूरे उसके परिवार के साथ खड़े रहे। और दूसरा ये हुआ मोनिका के साथ, जहाँ पूरी यूपी की भाजपा बलारियों को बचाने में लग गई। स्वयं भाजपा के स्थानीय विधायक ने खुलकर बलात्कारियों का साथ और समर्थन किया, पुलिस ने दाह संस्कार नहीं होने दिया, ये पूरा प्रचार किया कि बलात्कार हुआ ही नहीं। ये आप समझ सकते हैं कि वो मानसिकता से ये लोग ग्रस्त हैं। तब ये क्यों चुप रहे, तब इनको दया नहीं आई? युवती के साथ बलात्कार हुआ, मीडिया को भी दो दिन मीडिया को नहीं घुसने दिया, तब शिवराज सिंह चौहान एक शब्द नहीं बोले? उसके महिला के समर्थन में, उस युवती के समर्थन में भाजपा क्यों नहीं उतरी? अभी अगर किसी ने किसी के लिए कुछ भी कह दिया हो, ठीक है, उसका इतना बवंडर, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, केवल नाटक नौटंकी। और जिस प्रकार से मदारी नाटक करता है, वैसा नाटक शिवराज कर रहे हैं। कहीं घुटने टेक के दंडवत करते हैं, कहीं भाजपा के में गए प्रद्युमन सिंह मंत्री जो हैं वो उनके पैर छूते हैं तो उन कहते नहीं, सामने मंच पे आके फिर से एक बार पैर छुओ।